चलो अब हम लोग जा रहे हैं इंडिया, यहीं से जाएंगे आज प्रकृति, ठीक है ना। सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सुकांजी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब ठीक हो गए और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। आज हम जा रहे हैं कहीं, आज संडे है, कल का ब्लॉग तो आपने देखा ही था, तो कल हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, वेदांक पार्क है यहाँ पे। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो हमने भी इधर उधर से लोकल लोगों से पता करके फिर हम उस पार्क में जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि, और वो बहुत पुराना पार्क है, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। आओ इतने सक्की से मिलवाती हूँ। हेलो, जोर से बोला करो, आपकी आवाज़ नहीं आती है, जोर से बोलो। हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो पे, तो वहाँ पे जाके फिर आगे चल के, थोड़ा यहाँ से दूर है वो, 1 घंटे का रास्ता है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, फिर आपसे वहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है। ओके, तब तक आप वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके जी, स्पेंसर यूजना, यूजना बोला है, यूज यूजनो नहीं बोला, योजना बोला है। इट्स योजना, ओ का मीन्स आ होता है इधर, ओ आ, ओ आ। हेलो, वो यहाँ पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, उनको आदत है इतनी ठंड झेलने की, ये उनके लिए इतनी ठंड नहीं है। अभी तो विंटर का स्टार्ट हुआ है उनके लिए। हम कितने गोरे हो गए, एकदम साफ साफ चिकने चिकने हो गए ठंड में, है ना। देख लो यहाँ की मेट्रो कितनी साफ सुथरी है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है ये वाली मेट्रो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, 11 नंबर की, एकदम साफ सुथरी और बहुत बढ़िया है। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से हम दूसरा ट्रेन चेंज करेंगे, तो आपको आगे लेके चलते हैं। गाइज, ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक मेट्रो स्टेशन है जिसपे मैं अभी उतरी हूँ। देखो कितना इन्होंने प्यारा ये डिजाइन बना रखा है ऊपर, है ना, कितना बढ़िया। ये देखो यहाँ के ना मेट्रो स्टेशन भी बहुत, मतलब बहुत अच्छे अच्छे है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा लोग आदत, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना, मतलब स्टेशन देखने के लिए भी आते हैं, उसमें सफ़र बहुत करना पसंद करते हैं। अरे बहुत कन्वीनियंट होता है, आपको यहाँ पे हर जगह पे ट्रांसपोर्ट मिलता ही मिलता है। तो चलो आगे चलते हैं। और हम आ गए हैं, चलो चलें, कुछ फंक्शन सा हो रहा है ना। हाँ जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं वेदांत पार्क में और आपको लेके चलता है वहाँ पे, शायद कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है या फिर कुछ तो वहाँ पे हो रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं और वहाँ पे चलते हैं। ओके, चलो हमारे साथ आप भी। थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि सुबह से, कल आपको मैंने बताया था कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से हम लोग कहीं पर भी नहीं जा पाए, और आज दोपहर तक बारिश हो रही थी, बट आज दोपहर में फिर ठीक हो गया था। वो देखो, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो भी है यहाँ पे, सॉरी। तो अभी हम चलो चलते हैं, आपको अंदर चल के दिखाती हूँ, ठीक है, लेट्स गो। हम्म,
अच्छा अच्छा मुझे लगा था गाइस कॉन्सर्ट हो रहा है, पर वो नहीं है, यहाँ पे जो वो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं ना वही गाने गा रहे थे। हाँ ये वो है ना टेलीविजन, ये है हाँ ये टीवी टावर है यहाँ का बहुत पुराना, और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टीवी टावर था। और इसमें ऊपर भी जा सकते हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो इससे पूरा मॉस्को आपको दिखेगा। और इसकी जो टिकट है वो 1500 थी, अब पता नहीं कितने होगी, तो आपको चलो आगे ले चलते हैं। इधर आ जाओ, आप सही बन रही है ना, वो देखना अलग ही गाना कर रहा है। तो अब हम अंदर आ गए और आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे नाइट में व्यू कितना ही प्यारा आ रहा है, दिन पे नहीं आ पाए, बट चलो इससे ये फायदा हो गया कि आपको नाइट का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है, और रात में ना यहाँ की जो अट्रैक्शंस है ना, उनकी जो ब्यूटी है ना वो और भी ज़्यादा निखर कर आती है, और पूरी लाइट वगैरह के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं कितने प्यारे प्यारे। यहाँ पे जो है ना पार्क का मतलब ये नहीं है कि बस थोड़े से पेड़ पौधे लगाए, फ्लावर्स लगाए और हो गया, नहीं, यहाँ की मतलब जगह जगह पे यहाँ पे स्टैचूज लगाए जाते हैं, फाउंटेन्स है कई तरह के, है ना, और इतने ब्यूटीफुली यहाँ पे
चीजों को जो है फ्लावर्स वगैरह इन सबको ऐसे सजाया गया ना कि इसकी जो खूबसूरती है ना वो और निखर कर आती है। तो चलो आपकी यहाँ आपको यहाँ इस पार्क की खूबसूरती दिखाती हूँ, जो कि मॉस्को जो रेड स्क्वायर है ना उससे भी डबल बड़ा है ये। तो चलो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको कहते हैं वेदांत पार्क, है ना। और मेट्रो स्टेशन का भी नाम यही है वेदांत, VDNKH इसका ये है, और वेदांत करके ये प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल आपको मेट्रो से उतरते ही आपको ये दिख जाएगा सामने बहुत इजीली। तो चलो और दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा है ये, थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये देखें ज़रा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब इसको और बड़ा किया जा रहा है इस पार्क को, जबकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपको आगे भी चलते हैं, हाँ
पर ये वो वाला ज्यादा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा वाला है। अभी ये मॉडिफाई हो रहा है। हाँ वही मैं बता रही थी कि अभी और बन रहा है ये। पेड़ों में कितने सुंदर सुंदर डिजाइन कर रहे थे ना। चलो ये देखो अभी ये और बन रहा है। इस साइड चलेंगे, इधर रिवर है वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे रिवर है। वो जो बड़ा सा वो स्टैचू नहीं बना हुआ था उधर ही, जो बना हुआ था वहाँ पे जब हम बाहर थे वो। मुझे लग रहा है यहाँ पे बारिश अभी रुकी है थोड़े टाइम पहले ही ना। कितने बड़े बड़े फाउंटेन है यहाँ पे। अपने वहाँ पे जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और हमें आगे बढ़ाओ ताकि हम और भी कंट्रीज विजिट कर सके और आपको दिखा सके और आप लोगों की भी हेल्प कर सके बाहर आने। ये देखो शॉप है किसी की ये वाली, और कितनी लाइटिंग कर रखी है बहुत अच्छी वाली है। देखो और अपने वहाँ पे ऐसा हो तो मेला ही लग जाएगा ना, ऐसे लोग आ जाएंगे बोलेंगे कि पता नहीं कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। ये देखो मछलियाँ बनाई हुई हैं, मछलियाँ के मुंह से ना पानी निकलता है। ये देखो वैसे दिन में आने का अपनी खूबसूरती है और शाम में आने की अपनी खूबसूरती। जैसे अगर हम शाम को अभी रात में नहीं आते ना तो हमें ये सब ये नहीं देखने को मिलता, ये तो दिखता देखने को लेकिन जो इसमें कलर इसमें निकल कर आता है वो नहीं दिखते ना। इतनी लाइटिंग वगैरह तो रात को अच्छी निकलती है, दिन में अलग से ही कुछ है। म्यूजियम है क्या आगे वो? वो म्यूजियम बना है शायद वो। ये क्राउन जैसा बना रखा है ऊपर, देख रहे हो क्राउन जैसा है बिल्कुल ना। ये बहुत ही मस्त बना हुआ है। लाइन है ना फवारे फवारे की, एक एक उसमें कलर अलग अलग है ना। ये वो बना रखे हैं मोर क्या? मोर बना रखे इधर वाला। मोर भी आगे बहुत बड़ा है ना। ये तो शायद म्यूजियम है ये। हाँ। दिन में ही एंट्री होती होगी इसमें। गाइस देखो अभी हम यहाँ पर है, ये जो लोकेशन दिख रही है ना अभी हम यहाँ पर है और यहाँ पे क्या क्या है वो सब इसमें पता लग जाता है। ये देखो ये सारी जगह पर है यहाँ पे, इसमें देखो ना ये बीच वाला ना 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 ना, ना। हाँ ये देखो ये वॉशरूम कहाँ पर है ये पता करना हो तो ये भी पता लग जाएगा, लेडीज जेंट्स का ये रहा। चलो हम लोग जा रहे हैं इंडिया, यहीं से जाएंगे आज फ्लाइट से।
ठीक है ना। ये देखो रॉकेट, देखो हेलीकॉप्टर भी बना हुआ है, हेलीकॉप्टर। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और हम जा रहे हैं घर। हमें घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए ये के अंदर आए हैं। ये देखो कपड़े भी मिल रहे हैं वहां पे, ये सारा कुछ स्पेस वाला है ना ये। अगर इसके अंदर जाना है तो फिर टिकट लेना पड़ेगा, यहीं से डायरेक्ट टिकट मिल जाती है। ये सारा स्पेस वाला ये है म्यूजियम, ट्राई करेंगे अगर हम अंदर गए तो। अगर इन्होंने ली तो टिकट फिर चल के दिखाएंगे आपको अंदर। ये देखो इधर इन्होंने छोटी सी शॉप भी लगा रखी है। वो टिकट वाला काउंटर है उधर। क्या हुआ? हाँ देख रहे हो टिकट कितने की है। हाँ तो गाइस अगर आपको यहाँ पे अंदर आना है तो ये देखो 300 रूबल की है ये टिकट अंदर जाने के लिए। ओके तो हम जा रहे हैं अंदर? नहीं ना, हम नहीं जा रहे अंदर, हम उतने का खाना खा लेंगे। ये छोटी छोटी शॉप बनाई हुई है, देखिए अपनी अपनी शॉप है ये। ये देखो उधर वाइन की शॉप है, ऐसे अलग अलग ना अलग अलग उन्होंने वो बना रखा है अपना अपना शॉप छोटी छोटी। ये उनके खटके खाने के लिए है कुछ। Okay.
बारिश स्टार्ट हो गई है और हम घर पे जा रहे हैं, आपको घर पे जाके मिलते हैं, ठीक है। अभी घर पे जा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पाएंगे और हमने ये पूरा भी नहीं कवर करा है, तो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है, घर पे पहुँच के। सुखी को भूख लग रही है इसलिए हम थोड़ा खाने का देख रहे हैं, इधर रुक के अगर कुछ मिलता है कुछ ढंग का तो। यहाँ के ना खाने का भी टेस्ट अलग ही होता है। मुझे लगा इसको देख के गोलगप्पे है, ये तो डोनट है। चलो वो नॉन वेजिटेरियन है ज्यादातर ना, हमें वेज खाना था ना। सही में चंगा चंगा आ रही हूँ, तो चलो गाइस घर पे जाके मिलते हैं। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो बिल्कुल मत लेना, देखो भी मत इसको। ये वाले मुझे अच्छे लग रहे हैं, देखो ये वाले, ये और ये ऊपर वाले भी बढ़िया है, है ना। ये तो यही है ना, उधर भी है बॉयज के, देखो नहीं गर्ल्स के हैं उधर, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, सारा मिक्सर मिक्स मिक्स लग रहा है। हाँ ये ऐसे देखो जो पैर ना काटे है, 5,000 का काफी है। हाँ तो नीचे वाला भी वही है वो देखो, और ये दो वाले भी वैसे ही हैं। ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं, ये वाले लेना है तो ले लो। हाँ जी गाइस, तो बारिश ना रुक गई थी तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से मेरा ऑफिस है ना इस साइड, हम आ गए थे और मॉल के अंदर आ गए थे, तो इनको ना शूज वगैरह देखने थे तो वही देख रहे थे, पर उनमें ना कुछ मतलब वैरायटी नहीं थी, सिर्फ एक दो शूज ही थे, पर वो भी उनका मतलब महंगे तो थे, चलो महंगे का कोई बात नहीं, पर ये था कि अगर उनको खरीद लो तो वारंटी नहीं थी और अगर टूट जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए फिर हमने सोचा कि बाद में देख लेंगे और पसंद भी नहीं आ रहे थे। तो फिलहाल हम यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो हम बस का वेट कर रहे हैं, जैसी बस आएगी तो फिर हम घर पे जाएंगे, फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं, ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग घर पर आ गए हैं और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मुझे बहुत बुरी तरह से कोल्ड भी हो गया है, तो इसलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, आज का दिन पूरा ख़त्म भी हो गया है, ऑलमोस्ट 10:15 हो गया है, तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।